Hello, my dear friends. I welcome you back to Muscle Masters by Sachin Kohli. And before I start the topic of the video, I just again दोबारा से मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा. इतना जो आप लोगों ने प्यार दिया है, इतना आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है. Our helpline number of Gym Setup Masters is ringing again and again, whole day, complete day. So much of queries are coming for gym setup. So much queries are coming for seeking help and seeking guidance. कि किस तरीके से एक जिम को सेटअप किया जा सकता है भारत के अंदर. Thank you so much for the messages, appreciation letters, which is actually coming from your way, saying that the channel, the videos जो हम लोगों ने आज तक जिम सेटअप के ऊपर किए हैं, ये आप लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं. So thank you so much for all your love and support, my dear friends. I keep on making videos on gym setup. अगर आप भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जाइए मेरा चैनल देखिए. जिम सेटअप के ऊपर बहुत वीडियोस हैं, जिम मैनेजमेंट के ऊपर, जिम सेल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं. इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन सेटिंग अप योर जिम. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, गो अहेड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो वीडियो हम आज करने जा रहे हैं, ये वीडियो का क्या टॉपिक है. टॉपिक तो आप लोगों ने इनफैक्ट देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ. बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जिम सेटअप करना है, लेकिन जिम सेटअप करने के लिए हमारे पास आज के समय पर पैसा नहीं है. ओके, और हम बैंक के पास गए थे, और जब हम बैंक के पास गए पैसा मांगने के लिए, तो चाहे वो CGT SME स्कीम हो या वो कोई भी लोन स्कीम हो, हम उस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं हो पा रहे, बैंक से भी लोन नहीं ले पा रहे हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे एक सपना तो है कि मेरे को अपना जिम ओपन करना है, मैं अपना जिम ओपन करना चाहता भी हूँ. बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, बैंक मेरे को लोन देने से मना कर दे रहा है. मैं अगर अपना खुद का पैसा लगाना चाहता हूँ तो मेरे पास अभी फिलहाल इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल एक सक्षम व्यक्ति हूँ. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ जो कि एक जिम को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकता हूँ. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक जिम को बहुत अच्छे से चला सकता हूँ. तो ऐसे लोग पूछते हैं मेरे से कि सर क्या करना चाहिए. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि इस तरीके से हम किस तरीके से हम चीजों को आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना खुद का एक जिम सेटअप कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ही कम राशि है या ना बराबर राशि है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो जवाब है, इस प्रश्न का जवाब ये है कि यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं जिम लीजिंग, यानी एक जिम को लीज पे लेना. बहुत सारे जिम ओनर्स को मैं जानता हूं जो आज के टाइम पे आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं अपना जिम लीज पे देने के लिए, अपना जिम आगे प्रॉपर्टी आप लोगों के हाथों में देने के लिए, ताकि आप उनका जिम चला सके और आप उनके लिए और अपने लिए, खुद के लिए वो पैसा बना सके. अब समझते हैं जिम लीजिंग किस तरीके से काम करती है. जब भी आप एक जिम खरीदने जाते हैं या एक जिम बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले आप वहां पे एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं. जब आप एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का आप एक रेंट पे करते हैं. फिर आप मशीन्स खरीदते हैं. आप क्या करते हैं, आप उन मशीन्स को का बाय करते हैं, उसका पैसा पे करते हैं, इंटीरियर्स कराते हैं, फिर अपना जिम सेटअप करते हैं. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिम सेटअप करने का, कि आप गए, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक प्रॉपर्टी या लीज पे ली या एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, और उसके बाद आपने अपनी मशीन्स परचेज करी, और मशीन्स परचेज करने के बाद आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया. जिम लीजिंग इससे बिल्कुल अपोजिट काम करता है. जिम लीजिंग एक ऐसा बनी बनाई प्रॉपर्टी है. जो जिम ऑलरेडी चल रहा है, उस जिम के अंदर 100 से 150 क्लाइंट 200 क्लाइंट ऑलरेडी आते हैं, लेकिन किसी कारणवश, ये जो कारण है ये पर्सनल हो सकता है, कोई भी कारणवश ओनर चलाना नहीं चाहता जिम, या ओनर चाहता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस जिम को और ज्यादा आगे ले जा सके, तो एक ये बना बनाया जिम है. इसमें आपको कोई चीज किराए पे नहीं लेनी, बना बनाया जिम है, पूरा जिम है, पूरा जिम चल रहा है, उस जिम के अंदर मशीन है, इंटीरियर है, 50 लाख रुपए लगे हुए हैं, 60 लाख रुपए लगे हुए हैं. आप मात्र एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि उस जिम के अंदर जो भी कमियां हैं, जिस कमियों की वजह से वो जिम नहीं चल पा रहा, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप उस जिम को लीज पे ले सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को किराए पे ले सकते हैं, और आप अपनी जीवनी वहां से बना सकते हैं, आप अपना सपना वहां से पूरा कर सकते हैं. अब लीज पे लेने का क्या प्रोसेस है, जैसे प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हैं, इस तरीके से आप फर्दर जिम, पूरे जिम का एक पैकेज का रेंट पे करेंगे. आप प्रॉपर्टी का रेंट हुआ और मशीन का रेंट हुआ, इन दोनों का रेंट मिला के आप एक रेंट पे करेंगे जो कि जिम ओनर है, और आप पहले दिन से ही बिना कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए एक जिम के मालिक बन जाते हैं. सो गाइस,
स्मॉल वीडियो था, छोटा वीडियो था, जल्दी में मैंने आपको जल्द जल्द में बताया कि लीजिंग किस तरीके से है, तो एक मैसेज ही कन्वे करना चाहता था मैं कि अगर आप लोग बोलते हैं कि आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको पैसा देने से इनकार कर दिया, आपके पास खुद भी पैसा नहीं है, तो जिम लीजिंग एक ऐसा तरीका है कि आप खुद भी जिम लीज कर सकते हैं, जिम लीज पे ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर पूरा वीडियो के टाइम पे आपने देखा होगा, नीचे चल रहा होगा, हमारी वेबसाइट भी नीचे चल रही होगी। तो अगर आप, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, हमने भी बहुत लोगों को जिम लीज पे दिया है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार में हेल्प चाहिए, जिम सेटअप ना छोड़ के जिम लीजिंग में आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप बिल्कुल हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे, वी विल एंश्योर दैट वी विल गिव यू द बेस्ट डील इन टू जिम लीजिंग एज वेल। सो दैट वॉज द वीडियो ऑल अबाउट, शॉर्ट वीडियो, एंड जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू वंस अगेन माई डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जाइए सारे वीडियोस देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जिम सेटअप के ऊपर वीडियोस हैं, जाइए देखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, सी यू अगेन।